स्मार्ट वॉलेट में आपका स्वागत है, एक नई पीढ़ी का क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। इस गाइड में हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट वॉलेट में अपना पहला वॉलेट कैसे बनाएं। यदि आपका स्मार्टफोन iOS पर चलता है तो ऐप स्टोर से स्मार्ट वॉलेट ऐप डाउनलोड करें, या यदि आप एंड्रॉयड का उपयोग करते हैं तो गूगल प्ले से डाउनलोड करें। अब स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाई देंगे जिससे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। बस अपने स्मार्टफोन से QR कोड को स्कैन करें और डाउनलोड पेज खुल जाएगा। जब आप वॉलेट लॉन्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन की भाषा चुनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उस भाषा का चयन करें जिसमें आपके लिए स्मार्ट वॉलेट का उपयोग करना सुविधाजनक होगा। कृपया ध्यान दें कि नेटवर्क को वांछित भाषा डाउनलोड करने में कुछ समय लग सकता है। यदि आपकी जरूरी भाषा तुरंत लोड नहीं होती है तो कृपया थोड़ा इंतजार करें। इस मैनुअल में हम अंग्रेजी भाषा में इंटरफेस का उपयोग करके एप्लीकेशन के सेटअप को प्रदर्शित करेंगे। अब बॉक्स को चेक करके उपयोग की शर्तों पर अपनी सहमति की पुष्टि करें, जिसके बाद वॉलेट बनाएं। बटन पर क्लिक करें। स्मार्ट वॉलेट आपको दो विकल्प प्रदान करेगा, बुनियादी सुरक्षा बेसिक सिक्योरिटी और पास फ्रेज सुरक्षा पास फ्रेज सिक्योरिटी। हम इस गाइड में प्रत्येक मोड को कवर करेंगे, लेकिन हम अनुशंसा करते हैं कि आप पास फ्रेज सुरक्षा विकल्प का उपयोग करें। इसके अलावा वॉलेट निर्माण चरण के दौरान यदि आपके पास कोल्ड वॉलेट है तो आप स्मार्ट डिफेंडर उपयोग विकल्प का चयन कर सकते हैं। हम इस गाइड में स्मार्ट डिफेंडर का उपयोग करके एक नया वॉलेट बनाने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित करेंगे। कृपया ध्यान दें कि आप स्मरणीय फ्रेज की लंबाई चुन सकते हैं, 24 शब्द या 12 शब्द। 24 शब्दों का स्मरणीय फ्रेज आपकी डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा को और बढ़ाता है। पास फ्रेज सुरक्षा मोड के लिए डिफॉल्ट रूप से एक 24 शब्द का स्मरणीय फ्रेज बनाया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि बेसिक सिक्योरिटी मोड में 24 शब्दों का एक स्मरणीय फ्रेज बनाया जाए तो टॉगल स्विच को घुमाकर इस मोड को चालू करें। डिफॉल्ट रूप से 12 शब्दों का एक फ्रेज बनाया जाएगा। पास फ्रेज सुरक्षा पास फ्रेज सिक्योरिटी, यह सुरक्षा मोड अनुभवी उपयोगकर्ताओं के लिए अनुशंसित है। यह अलग है कि स्मरणीय वाक्यांश के अलावा वॉलेट आपको एक पास फ्रेज बनाने की पेशकश करेगा। 13वां, आपके स्मरणीय वाक्यांश के लिए अतिरिक्त शब्द। पास फ्रेज स्मार्ट वॉलेट में स्टोर नहीं है और केवल वही जो इसे जानता है वह उपयोग करता है। यदि किसी कारण से आप स्मरणीय वाक्यांश तक पहुंच खो देते हैं तो यह आपके वॉलेट की रक्षा करेगा। कृपया ध्यान दें कि यदि आप अपना पास फ्रेज खो देते हैं या भूल जाते हैं तो इसे पुनर्प्राप्त करना असंभव होगा और आप स्थायी रूप से अपने वॉलेट तक पहुंच खो देंगे। इसलिए हम केवल अनुभवी क्रिप्टोकरेंसी यूजर्स के लिए पास फ्रेज का उपयोग करने की सलाह देते हैं। यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं और सुनिश्चित नहीं हैं कि आप अपना पास फ्रेज नहीं खोएंगे तो मानक बुनियादी सुरक्षा मोड पर जाएं। इसलिए पास फ्रेज के साथ सुरक्षा मोड चुनें। इसके बाद स्मार्ट वॉलेट आपको पास फ्रेज की भूमिका और इसे बनाने के नियमों की याद दिलाएगा। जारी रखें पर क्लिक करें। एक स्क्रीन खुलेगी जिसके टॉप पर आपका 24 शब्दों का स्मरणीय वाक्यांश जनरेट होगा। उन्हें पढ़ने के लिए उस बटन को दबाकर रखें जिस पर लिखा है स्मरक फ्रेज, देखने के लिए दबाकर रखें। कृपया ध्यान दें कि किसी स्मरणीय वाक्यांश के स्क्रीनशॉट और वीडियो लेने की क्षमता उपलब्ध नहीं है। इससे अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा आपके वॉलेट तक पहुंच प्राप्त करने की संभावना समाप्त हो जाती है। स्मरक फ्रेज के नीचे पास फ्रेज बनाने के लिए एक विंडो होगी। वॉलेट तक पहुंच बहाल करने के लिए एक सीक्रेट शब्द पास फ्रेज के साथ आएं और अगला पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि स्मार्ट वॉलेट आपके पास फ्रेज को स्टोर नहीं करता है, इसलिए इस शब्द को मजबूती से सेव करना और याद रखना बेहद जरूरी है। स्मार्ट वॉलेट अतिरिक्त रूप से आपको इस बारे में चेतावनी देगा। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। इसके बाद वॉलेट आपको स्मरणीय वाक्यांश से सभी शब्दों को सही क्रम में चुनने और पास फ्रेज दर्ज करने के लिए कहेगा। ऐसा करें और अगला पर क्लिक करें। यदि आपने सब कुछ सही ढंग से किया है तो आपको निम्न संदेश दिखाई देगा। बस इतना ही, आपका वॉलेट तैयार हो चुका है। कृपया पास फ्रेज बनाते समय, साथ ही इसका उपयोग करके वॉलेट इंपोर्ट करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। आप नया वॉलेट बनाते समय ही पास फ्रेज इंस्टॉल कर सकते हैं। केवल उपयोगकर्ता ही पास फ्रेज लेकर आता है। यदि आप कोई पास फ्रेज भूल जाते हैं तो उसे रिस्टोर करना असंभव है।
आपको अपने वॉलेट में अनधिकृत पहुंच से बचने के लिए पास फ्रेज को स्मरणीय वाक्यांश से अलग स्टोर करने की आवश्यकता होगी। किसी मौजूदा वॉलेट को स्मरक और पास फ्रेज के साथ इंपोर्ट करते समय आपको मेरे पास फ्रेज है बॉक्स को चेक करना होगा और आगे की कार्रवाई करनी होगी। बुनियादी सुरक्षा, बेसिक सिक्योरिटी। जब आप बुनियादी सुरक्षा का चयन करते हैं तो स्मार्ट वॉलेट तुरंत आपके लिए एक नया वॉलेट बना देगा। इसके बाद आपको वॉलेट तक पहुंच बहाल करने के लिए अपना स्मरणीय वाक्यांश सेव करना होगा। ऐसा करने के लिए मुख्य स्क्रीन पर बैकअप नीडेड संदेश पर क्लिक करें। एक स्क्रीन खुलेगी जहां आपको 24 शब्द दिखाई देंगे। उन्हें पढ़ने के लिए स्मरणीय फ्रेज देखने के लिए दबाकर रखें। टेक्स्ट वाले बटन को दबाकर रखें। कृपया इस स्तर पर सावधान रहें। यह वाक्यांश आपके फंड की सुरक्षा की कुंजी है। हम इसे कागज के एक टुकड़े पर लिखने की सलाह देते हैं। स्मरणीय वाक्यांश को इलेक्ट्रॉनिक टूल्स पर स्टोर न करें या इसे दूसरों के साथ साझा न करें। एप्लीकेशन का उपयोग जारी रखने के लिए आपको शब्दों को सही क्रम में दर्ज करके अपने स्मरणीय वाक्यांश की पुष्टि करनी होगी। यदि आपने सब कुछ सही ढंग से किया तो एक बधाई संदेश दिखाई देगा। अपना स्मरणीय वाक्यांश कभी भी आगे न बढ़ाएं। स्मार्ट डिफेंडर के साथ स्मार्ट वॉलेट कैसे बनाएं? स्मार्ट डिफेंडर NFC चिप वाला एक ऐसा कार्ड है जिस पर निजी कुंजी का हिस्सा स्टोर होता है। इसका उपयोग स्मार्ट वॉलेट में ट्रांजैक्शन की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। टोकन ट्रांसफर करें और स्प्लिटिंग के लिए रिवॉर्ड का अनुरोध करें। ट्रांजैक्शन की पुष्टि करने के लिए बस स्मार्ट डिफेंडर कोल्ड वॉलेट को उस स्मार्टफोन से अटैच करें जिस पर स्मार्ट वॉलेट इंस्टॉल है। इस प्रकार स्मार्ट वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करने की पहुंच केवल स्मार्ट डिफेंडर के मालिक के हाथों में रहती है और स्मार्टफोन खो जाने पर भी यूजर की क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। अब हम आपको बताएंगे कि वॉलेट बनाते समय स्मार्ट डिफेंडर कैसे सेट करें। अपना वॉलेट बनाते समय स्मार्ट डिफेंडर का उपयोग चुनें। वॉलेट आपको स्मार्ट डिफेंडर क्या है इसका स्पष्टीकरण दिखाएगा। सेटिंग्स में जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन आपसे अपने स्मार्ट डिफेंडर को अपने स्मार्टफोन पर टच करने के लिए कहेगी। कार्ड को कैमरे की तरफ रखें। स्मार्टफोन में चिप यहीं स्थित होती है। कार्ड को 1-2 सेकंड के लिए अटैच करना पर्याप्त होगा। यदि आप कार्ड को तेजी से हटाते हैं तो उसे गिनने का समय नहीं मिलेगा। कृपया ध्यान दें कि कुछ मामलों में आपको अपनी डिवाइस सेटिंग्स में NFC चालू करने की जरूरत हो सकती है। जब सेटअप पूरा हो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगी। हम आपके सुखद कार्य की कामना करते हैं।